Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ. सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिट 3 में कितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोज अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो. और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. इफ यू लुक एट आवर सोसाइटी केयरफुली देन वी विल ऑब्जर्व दैट पॉपुलेशन इन आवर सोसाइटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारी वहाँ पर जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है टाइम के साथ. मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी आर रिलेटेड ओनली विद मोर और लेस पॉपुलेशन. हमारी बहुत सारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो पॉपुलेशन से ही कनेक्टेड है. अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी देन इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर अस, क्योंकि हम बेसिक नेसेसिटीज़ जो है सबकी पूरी नहीं कर पाएंगे. अगर लेस पॉपुलेशन होगी देन इट इज़ ऑल्सो डेंजरस बिकॉज जो हमारी सिक्योरिटी होगी वो ब्रीच हो जाएगी. हम कैसे अपनी कंट्री को सिक्योर करेंगे और जो भी प्रोडक्शन का काम होगा वो कैसे करेंगे, क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज से कितना ही मंगवा सकते हैं तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए. तो यानी कि हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तब भी प्रॉब्लम है, कम पॉपुलेशन हो जाएगी कंट्री में तब भी प्रॉब्लम है. द इफेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर इज़ नॉट रिलेटेड ओनली विद द इंडिया बट होल ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड. तो डेमोग्राफिक फैक्टर जो है यानी कि पॉपुलेशन जो है इससे इंडिया ही अफेक्ट नहीं हो रहा, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. प्रॉब्लम्स लाइक वीकन द कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आर्थिक तौर पर देखें अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो कंट्री बहुत वीक हो जाएगी. टू प्रोड्यूस सोशल इवेल्स, हो सकता है समाज के अंदर बहुत सारे सोशल इवेल्स जो है वो स्प्रेड हो. बट यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर डेमोग्राफिक फैक्टर किसी भी कंट्री का वो सेम है तो उसके सेम इफेक्ट देखने को मिलेंगे. पॉपुलेशन का जो रोल होता है ना हर कंट्री में अलग अलग देखने को आपको मिलेगा. डेमोग्राफिक फैक्टर बीइंग चेंजेस इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एक्शन आइडियाज एटसेट्रा ऑफ सोसाइटी. डेमोग्राफिक फैक्टर से सोसाइटी का हर एक आस्पेक्ट जो है वो इफेक्ट होता है. दैट इज़ वाई सोशोलॉजिस्ट फोकस ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड द सोशल चेंज. नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर. डेमोग्राफिक फैक्टर इज रिलेटेड विद मोर और लेस पॉपुलेशन. सो डेमोग्राफिक फैक्टर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है कि किसी भी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है और कितने एज के लोग हैं वहाँ पर, जेंडर वाइज कितने लोग हैं. सो इस चीज़ की स्टडी को हम डेमोग्राफिक फैक्टर कहते हैं. इसका मतलब साइज, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कि किस एरिया में लोग ज़्यादा रह रहे हैं और डेंसिटी क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं. सो ये सारी स्टडी जो होती है डेमोग्राफिक फैक्टर के अंडर होती है. डेमोग्राफिक फैक्टर इज दैट फैक्टर ऑफ सोशल चेंज विच डायरेक्टली इफेक्ट्स आवर सोसाइटी. सो डेमोग्राफिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, क्योंकि उसमें हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं और जो भी चेंजेस आते हैं सोसाइटी में वो क्यों आ रहे हैं, ह्यूमंस के कारण मेजरली. सो ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिचनेस और पुअरनेस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द डेमोग्राफिक फैक्टर. एक सोसाइटी या कंट्री वहाँ के लोग अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे ये भी वहाँ के डेमोग्राफिक फैक्टर पे ही डिपेंडेंट है. इट मीन्स दैट द कंट्री विद मोर पॉपुलेशन विल हैव लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना हैव मोर पॉपुलेशन, दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीजिंग. जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत जो है वो कम होगा, यानी कि वो लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. जैसे कि इंडिया और चाइना का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पॉवर्टी यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इंडिया और चाइना में बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ की. बट द कंट्रीज़ लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एट्सेट्रा हैव लेस पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ विच देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ हायर देन अदर्स. और दूसरी तरफ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हायर है दूसरी कंट्रीज से. तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोग अमीर होंगे गरीब होंगे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी ये भी उस कंट्री की पॉपुलेशन पर ही डिपेंडेंट होता है. सेटिंग है डेमोग्राफिक फैक्टर. फर्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी. विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पीपल आर अनएबल टू मीट देयर डेली नीड्स. अब देखो डेमोग्राफिक फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले है वो पॉवर्टी है. हमें पता लग जाएगा किसी भी देश की अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो उनकी इस चीज़ की हम स्टडी कर सकते हैं कि उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या फिर नहीं. जैसे जैसे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी लोगों की डेली नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मैल्थस द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज लाइक अ ज्योमेट्री. मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू
64. But increase in production is arithmetically means 8 plus 8 is equal to 16. अब यहाँ पे Malthus ने अपनी एक थ्योरी के थ्रू ये एक्सप्लेन किया है कि जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो ज्योमेट्रिक अकॉर्डिंग बढ़ती है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करके नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जैसे कि 64. बट अगर प्रोडक्शन की बात करें, जितना लोगों के नीड के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, उसमें अर्थमेटिकल लॉजिक यूज होता है, जिसमें हम प्लस करते हैं, जैसे कि 8 plus 8 16. तो 64 अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्शन का काम कितना इंक्रीज हुआ है, 16. तो यानी कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. मींस दैट 64 पीपल आर देयर टू ईट, देन द प्रोडक्शन विल मीट द डिमांड ऑफ ओनली 16. That is why problems like poverty, starvation are increases. इसीलिए हमने देखा ना, गरीबी और भुखमरी जो है वो इंडिया में और चाइना जैसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बिकॉज पीपल जो है बेसिक फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. इफ़ वी टेक द केस ऑफ इंडिया, डेथ रेट इन आर कंट्रोल बट बर्थ रेट इज़ स्टिल आउट ऑफ कंट्रोल. हम इंडिया में भी अगर एग्जाम्पल लेके देखें, तो हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी कर ली हैं, हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और वैक्सीन प्रोग्राम्स भी हैं. तो जिसकी वजह से हमने जो है कहीं ना कहीं डेथ रेट को तो कंट्रोल कर लिया है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया, बट कहीं ये जो बर्थ रेट है ना, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. अभी इसके लिए सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए हैं इंडिया में, दैट इज़ वाई मोर नंबर ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन. तो हमने देखा है इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसमें वो 3 वक्त का जो खाना है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट है रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ क्यों हो रही है, उसके क्या कारण है. सबसे पहला है हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन और एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ दैट ऑक्यूपेशन इन विच मोर नंबर ऑफ़ पीपल आर रिक्वायर्ड. जैसे कि हमें पता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के काम को करने के लिए वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल. वन पर्सन अलोन कैन नॉट कंट्रोल एवरी वर्क ऑफ एग्रीकल्चर. तो हमने देखा है ज़्यादातर विलेज एरियाज़ में भी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, वो आपस में मिलकर कॉपरेट कर जो है अपने फील्ड पे काम करते हैं. इज़ वाई चिल्ड्रन इन मोर नंबर आर रिक्वायर्ड. तो इसीलिए लोगों की ये थिंकिंग है कि जितने ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे वो उन्हें मदद कर सकते हैं एग्रीकल्चरल वर्क में. पॉइंट है इलिटरेसी. इन द कंट्री लाइक इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट. इंडिया जैसी कंट्री में ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं. अभी भी बहुत सारी जनरेशन जो है वो अवेयर नहीं है. इलिटरेट पीपल आर सराउंड बाई अ नंबर ऑफ टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस लाइक सन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट हैविंग एनी फीलिंग ऑफ स्मॉल फैमिली. ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अभी भी यही अंधविश्वास है कि जो बेटा है वो मुक्ति के लिए, सालवेशन के लिए सबसे ज़रूरी है और वही आगे हमारा वंश ले जा सकता है. तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि स्मॉल फैमिली होनी चाहिए. तो जिसकी वजह से लोग जो है ना इलिटरेसी एक कारण हम मान सकते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट गेटिंग एजुकेशन, रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा. वो इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं है कि उन्हें बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा देना है, जो उनकी हेल्थ है उस पर ध्यान देना है. तो ऐसे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स उनके माइंड में ही नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन इंक्रीज करने का एक रीज़न हो सकता है. पॉइंट है कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस. अकॉर्डिंग टू वेदा, सन विल गिव फायर टू द बॉडी ऑफ द फादर, दैट इज़ वाई सन इज़ नेसेसरी. अब वेद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जिसमें ये लिखा है कि सिर्फ बेटा ही मुख्य अग्नि देगा अपने फादर की डेड बॉडी को, तो इसके लिए सन बहुत ज़रूरी है, बेटी नहीं दे सकती है, ऐसा वेद में लिखा हुआ है. वन पर्सन गेट्स मोर रिस्पेक्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ सन. और बेटे के जन्म के बाद ज़्यादातर देखते हैं कि फैमिली को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और ज़्यादा प्रेस्टीज मिलती है. तो यहाँ पर लोग उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं गर्ल चाइल्ड के कंपैरिजन में. तो हमारी सभ्यता ही इससे कनेक्टेड है, लोगों का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि बेटा बहुत ज़रूरी है उनके वंश को आगे ले जाने के लिए. नेक्स्ट आपका डी पॉइंट है प्रोटेक्शन. एवरी पर्सन थिंक्स दैट व्हेन ही विल बिकम ओल्ड देन हिज चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ हिम. तो हर पर्सन को ये पता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे. एक्सेप्ट दीज रीज़न, द ट्रेडिशनल आउटलुक इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ सन और लैक ऑफ एजुकेशन और सम ऑफ द रीज़न विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर पॉपुलेशन. इस रीज़न के भी अलावा अगर हम और देखें, रीति रिवाज और ट्रेडिशनल आउटलुक से भी देखें, तो सन होना बहुत ज़रूरी है. और लोगों के पास इतनी एजुकेशन भी नहीं है, उनको लगता है हमारी मुक्ति जो है हमें सिर्फ तभी मिल सकती है अगर हमारा बेटा जो है वो होगा. तो ये सारे रीज़न जो है ये हो सकते हैं जिसकी वजह से
पॉपुलेशन इंक्रीज होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑल ओवर पॉपुलेशन इज नेसेसरी फॉर दिस पर्सन शुड बी एजुकेटेड. ये बहुत जरूरी है कि कंट्री को अगर हमने डेवलप करवाना है, कंट्री का वेलफेयर करवाना है, तो उसके लिए हमें ओवर पॉपुलेशन को रोकना होगा. और इसके लिए हर पर्सन को हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में. सेकेंड फैक्टर आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी. विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज. अब हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिसकी वजह से 100 वर्कर्स का काम एक अकेली मशीन कर सकती है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है. और सेकेंड रीज़न ये है अर्बनाइजेशन. जो शहर बस रहे हैं तो लोग विलेज एरिया से माइग्रेट होकर सिटीज़ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. और नंबर ऑफ़ चॉइसेस होने की वजह से लोग जो है वो सैलरीज भी कम देते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है. पीपल हैड टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज टू गेट एजुकेशन. पीपल ऑफ विलेजेस स्टार्टेड टू लिव इन सिटीज बिकॉज ऑफ विच पॉपुलेशन ऑफ सिटीज वॉज इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ हाउसेज वर डिक्रीज्ड. हमने देखा है कि लोग जो है नंबर ऑफ रीजन से शहरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से शहरों की पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेज बहुत कम है, जिसकी वजह से वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं. स्लम एरियाज आजकल शहरों में बनते हुए दिख रहे हैं, वो यही एक रीज़न है. फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन वॉज गॉन इन द हैंड्स ऑफ फैक्ट्रीज. मशीन स्टार्टेड टू डू मोर वर्क इन मिनिमम टाइम. अब हमने देखा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का काम होता था, पहले छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती थी जो घरों में लोग ओपन करते थे और प्रोडक्शन का काम करते थे, वो सिस्टम सारा खत्म होता जा रहा है क्योंकि उसकी जगह अब बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं जिन्होंने उनकी जगह ले ली है. और उसके अलावा मशीन्स आ चुकी हैं जो बहुत ही कम टाइम में जल्दी प्रोडक्शन कर देती हैं. दैट इज़ वाई ह्यूमंस आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज इंक्रीज्ड. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो है ना उसको रिप्लेस कर दिया मशीनों ने, और जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. और लोग जो है शहरों में आ रहे हैं कि उनको काम मिलेगा, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन शहरों में ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और विलेज एरिया में पॉपुलेशन जो है कम होती जा रही है टाइम के साथ, तो जिसकी वजह से सोसाइटी या कंट्री के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. थर्ड फैक्टर है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन अर्निंग मेंबर्स आर डिक्रीजिंग एंड द कंज्यूमर आर इंक्रीजिंग. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गिव ऑल द फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन. जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कंट्री के अंदर, तो जो अर्निंग मेंबर है जो कमा रहे हैं वो कम होंगे, और जो कंज्यूम कर रहे हैं जो खा रहे हैं उन पर डिपेंडेंट है वो लोग ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे सोसाइटी में. सो इसीलिए जितने भी फैमिलीज होती हैं वो बच्चों को अपने बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे पाएंगी जो उनके लिए जरूरी है. वैल्यू ऑफ थिंग्स ऑल्सो इंक्रीज्ड विच रिजल्टेड इन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो कंट्री के अंदर बहुत लो होगा. ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ मेन रीजन बिहाइंड पॉवर्टी. और बढ़ती हुई पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा कारण है गरीबी का. दैट इज वाई प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग वर स्टार्टेड. इसीलिए देखा आपने हर कंट्री में फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है ज्यादातर जो पॉपुलेशन इंक्रीज वाली कंट्रीज हैं वहां पर चलाया जाता है. चाइना ने भी एक बार वन चाइल्ड नोम पॉलिसी कर दी थी कि जितने भी फैमिलीज हैं उनको वन चाइल्ड ही करना, और जो सेकंड चाइल्ड करेंगे उनको बेसिक फैसिलिटीज सरकार की तरफ से नहीं मिलेंगी. कोई वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी. बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चाइना ने चलाई थी 1980s और 90s के पास, ताकि वहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके. तो यहाँ पर फैमिली प्रोग्राम्स जो है चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ फिल्म एंड टीवी स्टेप्स वर टेकन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल रिगार्डिंग सन और डॉटर. तो हेल्प ले सकते हैं हम लोग सोशल मीडिया का, फिल्म्स और टीवीज का, कि हम लोग लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकें कि सन एंड डॉटर में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट हैज़ गिवन कंसेशंस टू स्मॉल फैमिली एज कम्पेयर टू बिगर फैमिलीज. गवर्नमेंट जो है लोगों को इस तरीके से अवेयर कर सकती है कि जो स्मॉल फैमिलीज हैं उनको वो कंसेशंस दे सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटीज दे सकते हैं, और बिगर फैमिलीज को उस लिस्ट में से बाहर निकाल सकते हैं. पॉइंट है इमिग्रेशन. पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका आर कमिंग टू इंडिया एंड स्टार्टेड टू लिव इन इंडिया. विद दिस इमिग्रेशन पॉपुलेशन इंक्रीजेस वेरी क्विकली. अब हमने देखा हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया की, वहाँ से बहुत सारे लोग जो है एज अ रिफ्यूजी इंडिया में आके रहने स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से इस इमिग्रेशन की वजह से जो है इंडिया की पॉपुलेशन पर बहुत इफेक्ट हो रहा है. पॉवर्टी, स्टार्वेशन, इन्फ्लेशन एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स आर कमिंग ड्यू टू दिस. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वजह से भी क्रिएट होती हैं, जैसे गरीबी होना, भुखमरी होना, ठीक है, प्राइसेस जो होते हैं कॉमोडिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन का काम होता है वो बहुत कम रहता है. फिफ्थ पॉइंट है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मींस पीपल लीव देयर कंट्री एंड स्टार्टेड टू लिव इन अनदर कंट्री, स्पेशली द पीपल विद
better education like doctors, engineers, scientists migrate to another country to live for a better future. अब immigration का मतलब क्या होता है कि जब लोग अपने देश को छोड़कर किसी और देश में चले जाते हैं, especially ऐसा कौन करते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ताकि उनको दूसरी countries में तो अच्छी facilities मिल सकें, wages मिल सकें, तो better future के लिए वो लोग जो है वहाँ पर migrate कर जाते हैं. Countries spend a lot of money to train, educate them, but other countries take the benefit of their intelligence. अब एक country उस पर इतना पैसा लगाती है, उन्हें educate करती है, उन्हें train करती है, और जब वो सब कुछ सीख लेते हैं वो अपनी कंट्री को छोड़ जाते हैं और उनका बेनिफिट उनकी कंट्री को नहीं बल्कि दूसरी कंट्री को मिल रहा है, तो वो वहाँ पर जाकर अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, उन लोगों को बेनिफिट पहुँचाते हैं. दे ब्रेक देयर फैमिली टू गो अब्रॉड. तो इसके लिए बहुत बार देखा गया अपनी फैमिलीज को भी साथ में नहीं लेके जाते हैं, ज़्यादातर वो खुद अकेले वहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं. नो वन टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो ओल्ड पेरेंट्स, वो पीछे रह जाते हैं और वो आगे जाके अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं. तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये भी इमिग्रेशन एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से किसी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है. अगर किसी भी कंट्री में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड वो कर रहे हैं तो दूसरे तरफ से लोग जो है उनकी कंट्री में आके माइग्रेट होंगे. एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे.